हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आया हूं। हमारी हरियाणा करंट अफेयर्स की सीरीज जो हमने इस चैनल पर चलाई उसका ये पार्ट वन है। तो इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 70 से 75 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा जो हरियाणा करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। अभी आने वाली हरियाणा की जो परीक्षाएं हैं आपकी, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की, ये कांस्टेबल की, ये मेल फीमेल क्लर्क ग्रुप डी, आपका पटवारी, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, सभी के अंदर ही इनमें से इन करंट अफेयर से 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा नहीं कराऊँगा, जितने कराऊँगा जेन्युइन कराऊँगा, अच्छे कराऊँगा। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये नारनौल के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा यही टारगेट रहता है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराएं। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? प्रतिभा सुमन जी। हरियाणा में CNG व बिजली से चलने वाली बसों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बल्लभगढ़ के अंदर। हरियाणा में पहली सेब मंडी कहाँ बनाई गई है? पंचकूला के अंदर। हाल ही में शिवानी को भिवानी से अलग करके किस ज़िले में मिलाया गया है? हिसार के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद कर सकते हैं, हिसार के अंदर मिलाया गया है। पतंजलि द्वारा देश में पहला पौष्टिक रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? जीरकपुर। जीरकपुर के अंदर जो है पतंजलि द्वारा पहला पौष्टिक रेस्टोरेंट खोला गया है और ये आपका पंचकुला ज़िले के अंदर पड़ता है जीरकपुर। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HSYP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। लीजेंड ऑफ कर्ण पुस्तक किसने लिखी? कर्णवीर अरोड़ा ने। तो इसमें नाम से ही झलक रहा है, लीजेंड ऑफ कर्ण पुस्तक किसने लिखी? कर्णवीर अरोड़ा ने। ठीक है, विवाह शगुन योजना के अंतर्गत हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? जी 51,000 रुपये। 26 जनवरी 2018 की गणतंत्र दिवस की झांकी में हरियाणा की थीम क्या थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी है। हरियाणा निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक जी हरियाणा निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर हैं। पहला गुलाबी महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया? पंचकूला के अंदर सर। हरियाणा पर्यटन निगम का स्लोगन क्या है? आओ हमारे साथ छुट्टियाँ बिताओ। जो हरियाणा का पर्यटन निगम, उसका स्लोगन है, ये नारा है, आओ हमारे साथ छुट्टियाँ बिताओ। लुवास, हरियाणा ने भेड़ की कौन सी नस्ल विकसित की है? हरनाली। देखिए, लुवास एक ये यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर पढ़ती है। ठीक है, इसने भेड़ की एक नस्ल विकसित की है जिसका नाम है हरनाली। ठीक है, और हिसार से हरिद्वार के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन का नाम, हिसार से हरिद्वार के चलाई गई स्पेशल ट्रेन का नाम गीता गंगा एक्सप्रेस। 30 नवंबर 2017 को गीता की कौन सी जयंती मनाई गई है? 5154। तो दोस्तों, अब लास्ट टाइम जो हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें महाभारत से और गीता से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। कभी पूछा गया महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, कभी पूछा महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला, कभी पूछा कि भाई जो गीता थी उसका उपदेश किसने किसको दिया, कहाँ पर दिया। तो ये क्वेश्चन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जो अभी हमने गीता की जयंती मनाई है वो कौन सी मनाई है, 2017 में 5154 जयंती। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को किस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? एनीमिया मुक्त अभियान की। तितली संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? गुरुग्राम के अंदर। भिवानी की निवासी किस महिला को अर्जेंटीना की संसद में चुना गया है? विमा भारद्वाज भिवानी की निवासी है, अर्जेंटीना की संसद में इनको चुना गया। तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये, आप देखिए 1 नवंबर 2017 को 52वां हरियाणा दिवस किसको समर्पित किया गया था? जी जल संरक्षण को लेकर। कनाडा के टोरंटो में मिस वर्ल्ड पंजाबन का खिताब जीतने वाली गुरमीत कौर कहाँ की रहने वाली है? करनाल की जी। ठीक है, झज्जर के किस जिले में मंदिर को सरकार ने अपने अधीन किया है? झज्जर के किस मंदिर को सरकार ने अपने अधीन किया है? भीमेश्वर देवी मंदिर, इसको जो है हरियाणा की एक तरीके से जो पर्यटन स्थल होते हैं उनमें शामिल किया, हरियाणा सरकार ने। भीमेश्वर मंदिर झज्जर जिले के अंदर ही आता है। वंडर गर्ल जाह्नवी कहाँ की रहने वाले? इस्माल का पानीपत है, वंडर गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हैं। 2017 की मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर कहाँ की रहने वाली हैं?
बामनोली या वामनोली जज्जर की ये रहने वाली हैं। गढ़ी सांपला का नाम बदल कर क्या रखा गया? छोटू राम नगर। देखिए जो हमारे सर छोटू राम है, ये रोहतक के अंदर गढ़ी सांपला गांव आता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर जो गढ़ी सांपला का नाम बदल कर छोटू राम नगर रख दिया है। हरियाणा के मधुमक्खी विकास केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में मधुमक्खी विकास केंद्र शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर ये स्थित है। 21वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 21वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? रोहतक के अंदर ये मनाया गया। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? करनाल के अंदर किया जाएगा। जीएसटी बिल पास करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य था? 8वां राज्य था। हरियाणा केरोसिन मुक्त कब हुआ? 1 अप्रैल 2017 को। भीम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब रखा गया? 12 अप्रैल 2016 को। राष्ट्रीय टेनिस अकेडमी हरियाणा की जिले में स्थित है? गुरुग्राम के अंदर। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला हैं जी। मानव रचना विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मानव रचना खेल विज्ञान केंद्र फरीदाबाद के अंदर स्थित है। मूक बगीरों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? करनाल के अंदर। हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? गरौंडा करनाल के अंदर। भारतीय जनसेवा के प्रमुख सुनील लांबा कहाँ के रहने वाले थे? भारतीय जनसेना नहीं सर, जल सेना, यानी कि इंडियन नेवी के जो प्रमुख सुनील लांबा, ये अमरपुर गांव पलवल के अंदर है, वहाँ के रहने वाले थे। 121 देशों के सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? यह गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में मनाया? गरीब कल्याण। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को जी। हरियाणा में चल रही सरस्वती नदी की रिसर्च में कौन सा देश योगदान दे रहा है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। हरियाणा में चल रही सरस्वती नदी के ऊपर जो रिसर्च चल रहा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है अपने पूरी अहम भूमिका निभा रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा पशुधन बीमा योजना हरियाणा की जिले से शुरू की गई। जदर ओम प्रकाश धनखड़ हमारे कृषि मंत्री हैं। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हरियाणा में कब हुई? 13 अप्रैल 2017 को। चर्चित मुनक नहर हरियाणा की जिले से संबंधित है, सोनीपत। हरियाणा कृषि विभाग का नाम बदलकर क्या रखा है? किसान कल्याण विभाग। किसान कल्याण विभाग जो नाम बदलकर रखा गया कृषि विभाग का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। मिशन इंद्रधनुष में कितनी बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है? तो मिशन इंद्रधनुष में 10 बीमारियों से बचने के लिए जो है टीकाकरण किया जाता है। हरियाणा में मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हिसार के अंदर। प्रदेश में ई दिशा केंद्र अब किस नाम से जाने जाएंगे? अटल सेवा केंद्र। ई दिशा केंद्र का नाम अटल सेवा केंद्र कर दिया है। एम टैक्सी सेवा हरियाणा में कहाँ शुरू हुई? गुरुग्राम में। यमुनानगर के किस गांव में सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले? मुगलावली। सुई के द्वारा गर्भ निरोधक दवा किस योजना के अंतर्गत दी जा रही है? सलामती योजना। प्रदेश में सैनिक छावनी कहाँ पर? अम्बाला और हिसार के अंदर। प्रदेश के किस विधायक ने मंत्री पद की शपथ जो है संस्कृत में ली? कैप्टन अभिमन्यु ने। प्रदेश के पहले जो है अन्नपूर्णा बैंक की शुरुआत कहाँ की गई? वस्त्र एवं अनाज, पानीपत के अंदर। प्रदेश के पहले वस्त्र एवं अनाज अन्नपूर्ण बैंक की शुरुआत है पानीपत के अंदर की गई। फरीदाबाद की स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? हॉलैंड। पुरानी कारों की रैली कहाँ आयोजित की गई? सोहना गुरुग्राम के अंदर। गीता महोत्सव का भागीदार देश कौन सा था? मॉरिशस। ठीक है सर, गीता महोत्सव का भागीदार राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू की गई? 3 मार्च 2017। क्रिकेटर आशीष नेहरा कहाँ के रहने वाले हैं? रोहतक के। न्यूटन फिल्म के अभिनेता राजकुमार राव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? जी गुरुग्राम से। राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? भिवानी के अंदर। सुनील ग्रोवर का संबंध किस जिले से? सिरसा से। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मेला कहाँ आयोजित किया गया? गुरुग्राम के अंदर। कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर के खिलाड़ी मंजीत छिलर कहाँ के रहने वाले हैं? ये निजामपुर गांव पड़ता है जी पानीपत के अंदर। हाल ही में हिसार के चमारखेड़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुंदरखेड़ा। देखिए कास्टिज्म को लेकर काफ़ी विवाद हरियाणा के अंदर, इसलिए इसका नाम चमारखेड़ा की बजाय सुंदरखेड़ा कर दिया है। हाल ही में YMCA विश्वविद्यालय फरीदाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत तीसरी बेटी के जन्म पर कितनी
जो धनराशि है दी जाती 21,000 रुपये। हरियाणा साहित्य संगम का आयोजन कहाँ हुआ? पंचकूला के अंदर। विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दुधौला गाँव है पलवल के अंदर। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए 73 क्वेश्चन हरियाणा जी के करंट अफेयर के लेकर आया था, ये पार्ट वन था। इसी प्रकार से जैसे हमने हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को लेकर भी एक सीरीज चलाई हुई जिसके 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आज करंट अफेयर का पार्ट वन आया है, करंट अफेयर्स का पार्ट वन आया। इसी प्रकार से पार्ट 2 3 चलते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं आते हैं। मैक्सिमम करंट अफेयर इंडियन हिस्ट्री हरियाणा जी के कवर कराने की आपकी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना, लेकिन आप भी मेरे को मोटिवेट दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम मिनिमम मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ 1000 व्यू तो हमारी हर एक वीडियो पर आने चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।